नमस्ते शाक्स। नमस्कार। नमस्ते। दुनिया भर में बहुत सारे लोग रूम में आने के बाद वही बोरिंग, वही रूटीन नाइट लाइफ महसूस करते हैं। कुछ नया नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ स्पाइस नहीं, कुछ फन नहीं। क्या करें, कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है स्मेल। स्मेल एक ऐसा सेंस है जो इंसान को तुरंत खुश कर देता है। आप सब लोगों ने दिन की अगरबत्ती के बारे में सुना ही होगा, बट क्या आप नाइट की अगरबत्ती के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अब सब लोग जान जाएंगे। मेरा नाम है अमित होचंदानी, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है वीए परफ्यूम प्रोडक्ट। वीए परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। शख्स, आपको देखते हुए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे रोमांस, क्लासिक लव, एक्सट्रीम फन आदि। आपको देखते हुए कौन से शख्स को देख के बोल रहे हैं? जिसे एक्सट्रीम फन की जरूरत है। शख्स, अभी हम नाइट अगरबत्ती के अलावा डिवोशनल अगरबत्ती भी बनाते हैं। बहुत सारे रेंज बनाते हैं जिसे हम मॉल, मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स में बेचते हैं। नॉर्मल अगरबत्ती का मार्केट आज की तारीख में 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी हेल्प हो तो हम हर घर ये अगरबत्ती पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में है दम। शख्स, मैं रेस करना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए 10% इक्विटी के लिए। तो शख्स आए और देश का मूड बनाए। अरे मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि कैसे आपने एक, मतलब आप काफी तजुर्बे वाले लगते हैं, जी सर। कैसे एक दिन आया कि आपने कहा भाई मैं अगरबत्ती बनाऊंगा जिससे रूम में आग लग जाए, और ये टाइप की आग नहीं, वो टाइप की आग, आप समझ गए? जी सर। क्या हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई जरूरत महसूस हुई, क्या हुआ? ये हादसे के बारे में ना बताए तो ही बेहतर है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। अमित जी, आप इनकी बात ना सुने, आप खुल के बोले। सर एक्चुअली क्या है, 15 साल से मैं राइस इंडस्ट्री चलाता था। अच्छा जी। और पूरा जो है मेरा प्लांट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। अच्छा। तो मेरा मोस्टली माल जाता था वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया। तो जब नाइजीरिया जाता था, प्लस ये वाला फ्लेवर जो है, ये नाइट अगरबत्ती जो है वो ऑलरेडी बनाते थे वहाँ पे, और उनकी बहुत अच्छी सेल है वहाँ पे। अच्छा। नाइजीरिया में? हाँ, नाइजीरिया में। तो उन्होंने, उनका क्या है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद उनका जो है इंडिया में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब बताए। फिर मैंने कुछ इंडोनेशिया से परफ्यूम बुलाए, तो उस मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, इसीलिए मैंने उसको अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। तो राइस का भी धंधा चल रहा है साथ में? नहीं सर, वो एक्चुअली एक्सपोर्ट कुछ बैन होने के चक्कर में 2018 में मैंने वो वाइंड अप कर दिया। और ये कैसे चल रहा है? ये सर अभी मुझे 7 महीने अप्रोक्स हुए हैं, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? इस बिजनेस में अभी मैंने अप्रोक्स 65-70 लाख रुपीस लगाया हुआ है। और अभी आपकी कितनी सेल है मंथली? अभी समझ लीजिए 7 महीने में 70 लाख रुपए की सेल है। वाओ, महीने की 10 लाख की सेल है जी। तो अब इसमें संतुष्टि है, राइट? ये बिजनेस बहुत ज्यादा, एक्चुअली क्या है सर, ये मार्जिन वाला काम है। राइस इंडस्ट्री में 2% मार्जिन था, इसमें कितना है? इसमें सर अभी ग्रॉस मार्जिन जो है मेरा वो ऑलमोस्ट 56% है। वाओ। और नेट मार्जिन जो है मेरा 35-36% है। 3.5-4 लाख रुपए बचता है घर। तो डिवोशनल में या नाइट में? सर डिवोशनल में समझ लीजिए कि 40% मार्जिन है, और नाइट अगरबत्ती में मेरा 75% मार्जिन है। तो आप मैन्युफैक्चर करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपने इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाई है? हाँ, फैक्ट्री लगाई हुई है, और मैं सोर्स भी करवाता हूँ। ये इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये आपने कोई टेस्टिंग करी है? कैसे आपको पता लगा कि
इसको करने से पावर आ जाती है सर है कैसे इनको एक्साइटमेंट हो रहा है टेस्टेड है सर कैसे 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 सर मतलब आप कैसे वो कोई कैसे कैसे बता सकते सर वो तो रूम में लगने के बाद मूड बनता है ना सर देखो 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 एक सेकंड इतनी देर आपने वहाँ चार अगरबत्ती लगा रखी हाँ जी वो बैठ के सूंघ रहे अकेले अभी पूछ लो इनको अच्छा वो कस्टमर टेस्टिमोनियल का वीडियो नहीं मांगा सर एटलीस्ट क्या होता है कि एक रूम में तो आना चाहिए किसे आप स्टेडियम में लगा देंगे तो वो थोड़ी असर करेगा ऐसा थोड़ी हो जाएगा सर प्रोडक्ट देख सकते हैं प्रोडक्ट हाँ सर बिल्कुल मैं दिखा रहा सर ये पैकिंग से अभी न्यू लॉन्च करने की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है सर स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी तो सही रहेगा बात सही है लाइट जली नहीं अगरबत्ती की उसमें हाँ ये पैकिंग जो ये हमारे लिए ऐसी पब्लिक के लिए भी ऐसी होती है मेरी तो ऐसी है भाई तुम ज्यादा पसंद आ रहा है ऐसे लग रहा है ये बंद कर सकते हैं क्या बंद कर दे हाँ सर अच्छा मुझे आपके बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है जी तो आप मेडिटेशन के लिए भी बेच रहे हैं हाँ प्रेयर्स के लिए भी बेच रहे हैं मूड के लिए भी बेच रहे हैं तो मतलब आप सब चीजों के लिए बेच रहे हैं देखिए डिवोशनल अगरबत्ती जो है ना वो आज की तारीख में मेरा ऑलमोस्ट अच्छा सेल है कितना है 70% वही सेल है अच्छा और 30% मेरा जो है ये है बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो सेल है अपना नाइट अगरबत्ती का वो 90% सेल तक के लेके जाऊँ क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छी है जैसे आपने बनाया ये तो आपको कोई फॉर्मूला है स्पेशल जो हाँ सर वो तो इंग्रेडिएंट्स वैसे रहते हैं सर नॉर्मली के बाद उसके जो से नॉर्मल अगरबत्ती बनाते हैं उसके बाद इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं तभी तो वो मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो रहते ही है उसके बाद जो है इसके जो परफ्यूम रहते हैं प्लस इसमें जो दो तीन आइटम ऐसे मिक्स करते जो कि रिवील नहीं कर सकता उससे क्या होता है उन आइटम से उनसे मतलब एक मूड बनता है ना सर इफेक्ट बनता है ना उससे इफेक्ट होता है मैंने अपना डिसीजन बना दिया है तो मैं आपके प्रोडक्ट से ना कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं ना आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर पा रही हूँ और इनसेंस स्टिक्स में मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है सो विश यू द वेरी बेस्ट बट आई एम आउट इसके अंदर स्केल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट इतना ज्यादा लगता है कि आप बहुत लंबे शहरों तक नहीं पहुंचा सकते कि आपको बहुत सारी फैक्ट्री खुलने बहुत लोकल काम है सर ब्रांड जाए सर जेट ब्लैक है साइकिल अगरबत्ती 800-800 करोड़ का टर्नओवर है सर जी बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक का सफर बनाना और एक ब्रांड बनाना वो इतना आसान नहीं रहेगा सफर लेकिन मैं इस रीजन से आउट होना चाहूँगा मेरे स्केलेबिलिटी समझ में नहीं आ रही और प्रोडक्ट का अगर कोई इंटेलेक्चुअल राइट या प्रॉपर्टी होती तो मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करता आज मैं आउट होना चाहूँगा देखो मेरा इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं इससे बाहर होना चाहूंगा ऑब्वियसली अगरबत्ती का जो बिजनेस है बड़ा ही होगा आपने बताया 10,000 करोड़ की मार्केट 10,000 करोड़ की हाँ तो ये तो मेरे लिए लर्निंग है और मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगा इसलिए मैं बाहर तो मुझे तो भाई ये बिजनेस समझ नहीं आ रहा फ्रेंकली बताऊं मुझे अगरबत्ती का बिजनेस सॉलिड है बट ये नाइट अगरबत्ती का बिजनेस थोड़ा साथ में डिवोशनल प्लस नाइट अगरबत्ती दोनों ही बढ़े और एक ही ब्रांड में तो दोनों वैसे भी नहीं बढ़ सकते हाँ आप एक ही जगह बोल रहे हो डिवोशन अगरबत्ती है और उसी को बोल रहे हो आप नाइट अगरबत्ती का अलग तो मैं आउट देखिए अमित जी जी धंधे के मामले में तो आप तेज हो ठीक है लेकिन ये इन्वेस्टर से पैसा लेना और उसको बढ़ाना और रिटर्न करना ये एक अलग चीज होती है लेकिन देखिए आप में एक दीवानापन है और कई बार ये कहते हैं कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन इंसैनिटी एंड ग्रेटनेस अभी आप आगे चल के ग्रेट बनाएंगे बिजनेस को ये आप ही जानते हो आपको बहुत बहुत लक विश करता हूँ बट मैं भी आउट होना चाहूंगा सारे शार्क्स आउट हैं गुड लक गुड लक थैंक यू